जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि बीएड के बाद क्या करें। यदि आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के समय में बीएड के बाद क्या चीज करना सही रहेगा, हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जो टेट का है वो सभी को नॉर्मली पता है कि जो टेट के एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीएड के बाद क्या करें। हमने बीएड कर लिया है या बीएड के फाइनल ईयर में है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो पहले जो कुछ कॉमन सी चीजें हैं उनको जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएड क्या है, बैचलर इन एजुकेशन। ये आप पे एक बैचलर डिग्री है, ना कि आप पे पीजी में नहीं आता है। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, लेकिन आप पे पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता है। इसको करने के बाद भी आप कैसे रहते हैं, बैचलर ही रहते हैं, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप अपना बीएड कर लेते हैं तो सभी को पता है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है टेट का, वो आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो आपके स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं वो आप दे सकते हैं बीएड करने के बाद, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, रीट हो गया, तो ये आपके स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। जो स्टेट की वैकेंसी होती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जनरली सभी को पता होगा लगभग। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है कि आपको बीएड के बाद और क्या करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है और आपने अपना बीएड कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बीएड के बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आप अपनी तैयारी करिए, जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम है, जैसे सीटेट का हो गया, अपने जो स्टेट का एग्जाम हो गया, उसके एग्जाम हो गया, उसके साथ साथ आप अपना पीजी के लिए आप जरूर अप्लाई करें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अपना जरूर अप्लाई करें। यदि आपने बीए किया था तो आप एमए के लिए अप्लाई करें, बीकॉम किया तो आप एमकॉम के लिए अप्लाई करें, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में आप अपना पीजी जरूर करें। क्यों करें, उसका रीजन ये है कि जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो पहला आपको यही है कि आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करना है। यदि आप वर्किंग में है, किसी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डिस्टेंस से कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं, ओपन से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने डिस्टेंस से किया है, ओपन से किया है, या फिर आपने प्राइवेट तरीके से किया है तो आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य करिए। अब यदि आपको आगे बढ़ना है और यदि आपका टीचिंग में ही सपना है, आप टीचर हैं और आपको उससे आगे अपनी पोस्ट बढ़ानी है, आपको प्रिंसिपल की पोस्ट तक जाना है या आपको वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक जाना है, तो मैं आपको ये एडवाइस जरूर करूंगा कि आप बीएड के बाद एमएड अवश्य करें, क्योंकि यदि आप एमएड नहीं करेंगे तो वहां पर फिर आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको एमएड होना अनिवार्य है। और यदि आपको अपना बीएड के कॉलेज में टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो वहां पर भी आपका एमएड होना अनिवार्य है, तो एमएड आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद में यदि आपको पीएचडी करना है, जिस सब्जेक्ट से आपने अपना बीएड किया है उसके बाद में यदि आपको पीएचडी करना है, तो बीएड के डायरेक्ट बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एमएड करेंगे और एमएड के बाद में जिस सब्जेक्ट से आप एमएड करेंगे उस सब्जेक्ट में आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में आप जा सकते हैं। यानी कि यदि आपका सपना बड़ा है तो आप उस सब्जेक्ट से अपना पीएचडी करके जो बीएड के कॉलेजेस वगैरह है उनमें आप लेक्चरर बन जाएंगे। तो मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा कि बीएड के बाद में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें, अपना पीजी जरूर कंप्लीट करें, और यदि आपको अपने उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो एमएड करें और एमएड के बाद अपना पीएचडी आप कर सकते हैं। तो साथ ही यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।